जनरल वीके सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, जब भी आपके इंट्रोडक्शन की बात होती है, देयर आर मेनी लाइंस दैट आई कंक्लूड, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पहचान जो आपकी है वो एक लीडर के तौर पर है। आपने सेना की वर्दी पहनी तो आपने लीड किया, पॉलिटिक्स में आप आए तो आपने लीड किया, और सूडान में फंसे हुए हमारे सैनिक हो या फिर उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए मजदूर, हमने देखा आप वहां भी फ्रंट पर लड़ते रहे एक लीडर के तौर पर। तो मुझे लगता है कि आपके लिए सिर्फ ये दो शब्द ही काफी है, दैट यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर। और जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद है, मुझे लगता है तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि सर को आदत है हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस की भी और हार्ड हिटिंग सिचुएशंस की भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के बेहद खास कार्यक्रम में। सर, चूंकि इस समय चुनाव के बीच में हम हैं, 2019 का चुनाव आपने देखा और आप चुनावी मैदान में रहे, 2019 के चुनाव से इस बार का चुनाव मुद्दों में भी और धरातल पर भी कितना बदलाव और अलग आप देख रहे हैं? देखिए, चुनाव जब भी होता है वो दौर अलग होता है। 14 के अंदर कुछ दौर था, कुछ हालात थे, तो चुनाव का एक जो हवा थी, उसकी फिजा थी, वो अलग थी। 19 के अंदर कुछ और था, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल हो चुका था, लोग बाग देख चुके थे 5 साल का कार्यकाल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि उससे पहले 14 से पहले नहीं हुई थी, तो एक अलग माहौल था। अब 10 साल हो चुके, बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हैं, एक विकसित भारत की परिकल्पना लेकर एक खाका खींचा गया है जिसके ऊपर सब लोग चल रहे हैं, तो लोगों के सामने एक अलग तरह की चीज पेश हुई है। और इस सब के अंदर विपक्ष जो 14 के अंदर था, शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ था, 19 के अंदर कुछ और था, अब एक अलग तरीके से विपक्ष अपनी कोशिश कर रहा है। आप इतने साल बाहर रहते हैं सत्ता से, तो अलग अलग तरीके आजमाने की कोशिश करते हैं, वो आप देख रहे हैं आप। तो इसलिए ये कहा जाए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर आप बदलाव भी देखेंगे, जिसमें आप अलग अलग तरह की चीज़ें भी देखेंगे। आज के इन्फॉर्मेशन युग के अंदर हर साल कुछ ना कुछ नया बदलता, और आप देख रहे हैं इस चुनाव के अंदर बहुत साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार इन्फॉर्मेशन वॉर का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से लोगों को कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ सत्य को असत्य करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब एक तरीके से दिखाई देता है। इससे बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, विपक्ष जो है वो कह रहा है कि बीजेपी जिन मुद्दों को धरातल पर लेकर उन्हें आना चाहिए उसको लेकर नहीं आ रही। राम मंदिर तो न्यायालय का फैसला था, लेकिन बीजेपी कोशिश ये कर रही है बताने की कि इस फैसले में बीजेपी का हाथ रहा है, और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो है वो आपको घेर रही है। देखिए, विपक्ष का काम होता घेरना, चाहे वो सही तरीके से घेरे चाहे गलत तरीके से घेरे। मैं नहीं मानता कि विपक्ष घेर रहा है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी उससे पहले ही उनकी बात को भांप जाते हैं या उसके बारे में जवाब देते हैं, साफ है कि कोई घेर नहीं रहा जी। विपक्ष की कोशिश होगी, विपक्ष का काम है कि किसी तरह से घेरने की कोशिश करे, और इसके अंदर साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए, चाहे अफवाह फैलाने का काम हो, चाहे लोगों को गुमराह करने का काम हो, चाहे एक बात को दूसरे तरीके से पेश करने का काम हो, तो विपक्ष करेगा ये। और इसके लिए मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चीजों को समझती और तैयार। सर, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी बहुत ज्यादा फ्रंट पर आया है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं डर पैदा करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कह रहे हैं वो कि पसमांदा मुसलमान जिसे लुभाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, अब अचानक मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा क्यों लेकर के आ गई है? मैं बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक खास चीज होती है, आप एक अफवाह उड़ा दीजिए 50% लोग बाग उसको मानने लग जाएंगे,
और बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप याद करिए, एक वाक्या हुआ था बहुत साल पहले कि गणेश जी दूध पीने लगे, सबने मान लिया जी, जो जिस मूर्ति के पास गया उन्होंने कहा जी हमारे से भी पिया गणेश जी ने दूध। अब ये जो अफवाह का जो दौर चलता है ये इलेक्शन के अंदर कुछ ज्यादा ही चलता है। जहां तक आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण किस लिए किया गया था, अगर इसको बोला जाए ये एफर्मेटिव एक्शन है। आप यूएसए को ले लीजिए, और मैं एक तुलनात्मक चीज आपको बता रहा हूं, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए एफर्मेटिव एक्शन किया गया, उन्होंने उसको आरक्षण नहीं बोला, लेकिन चीज उसी तरीके से थी, कैसे उनको समान अवसर मिले, कैसे उनको पढ़ाई के अंदर समान अवसर मिले, किस तरह से उनको रखा जाए, कैसे उनको सुविधाएं दें ताकि वो आ सकते ऊपर। बराक ओबामा वहां पढ़कर राष्ट्रपति बने एफर्मेटिव एक्शन से। ये एफर्मेटिव एक्शन हमारे यहां भी है, हमने इसको एफर्मेटिव एक्शन को आरक्षण का नाम दिया ताकि हम उस तबके को जो बिल्कुल दबा रहा, जिसको अवसर नहीं मिले, उसको अवसर दे सके। अब आप उसके ऊपर लोगों को डराने लगे ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? एक बहुत घृणित चीज कह रहे हैं आप कहना यह चाहते हैं कि आरक्षण मलाई है, ये तुम्हारी मलाई बंद हो जाएगी, जबकि वो मलाई नहीं है, वो समान अवसर है, वो आपके संविधान के अंदर रखा गया है, आपकी पूरी परिकल्पना के अंदर रखा गया है ताकि पूरे समाज को इकट्ठा उठाया जा सके। तो मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष जो है वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, अफवाह फैला रहा है। कुछ लोग शायद, जैसे कि बहुत लोगों ने भीड़ लगाई गणपति जी के, आज तो वैसे भी गणपति जी का दिन है, दूध पिलाने के लिए, वैसे बहुत चीज बहुत लोग मानने लगेंगे इस चीज को, लेकिन ना सरकार की कोई मंशा है ना ही ये कहीं परिकल्पना के अंदर है कि ऐसा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सर कि अगर दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया तो उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत कीजिए क्योंकि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में इतना अगर आप ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज साफ निकल कर आएगी, झूठ बोलने में उनकी माहिरियत है, खास माहिरियत। आपके सामने बोल देंगे जी आप जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है, आप, और ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से। पहले उन्होंने अपना फायदा उठाया, किसी के कंधे पर चढ़कर आए, उस दौरान उस आदमी के लिए या उस अभियान के लिए जो पैसा आता था उसको आपने अपने कार्यकर्ता तैयार करने के लिए लगाया, अगर ईडी उसको देखती तो शायद उनको तभी जेल बंद कर देती। ईडी क्या कह रही है, शराब घोटाले की बात कर रही है। एक बहुत साधारण चीज है, आज आपकी नीति है सरकार को कुछ राजस्व मिलता है, आप कल इस नीति को बदल देते हैं, साइन नहीं करते उसके ऊपर, फाइल के ऊपर दूसरों से साइन करवाते हैं, लेकिन आप बदलते हैं उसको, और बदलकर क्या करते हैं, सरकार का राजस्व कम हो जाता है, प्राइवेट पार्टीज का राजस्व जो उनका जो फायदा है वो ज्यादा हो जाता है। ये गलत है कि नहीं है? मेरे ख्याल से एक पहली कक्षा का विद्यार्थी भी आपको बता देगा गलत है, ये पूरा गणित ही गलत है। तो उस गणित के अंदर अगर उनको जेल जाना पड़ा है तो गलती तो उनकी है ना भाई, और जब तक ये गणित ठीक नहीं होगा तो जेल जाना पड़ेगा। हालांकि सर वो इस पे ये भी कह रहे हैं कि चार्जशीट कहाँ है, ये तमाम बातें भी जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं, लेकिन सर आम आदमी पार्टी या फिर कह लीजिए कि इंडी गठबंधन में खुशी इस बात की है कि इंटरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो दिल्ली के चुनाव में कुछ भला शायद हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो वोट तो जनता ने करनी, अगर जनता इस चीज के लिए
बहकावे में आ जाती है कि हर चीज उनको फ्री मिल रही है, चाहे मिले चाहे ना मिले। आप दिल्ली के अंदर दुनिया भर के ठेके खुल गए, चाहे स्कूल कॉलेज के सामने हो, चाहे किसी धार्मिक स्थान के नज़दीक हो, बड़े बड़े क्लेम किए गए दिल्ली के बारे में। और मैं तो कहूँगा दिल्ली की जनता अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि जितना डेवलपमेंट शीला दीक्षित के समय हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी आने के बाद क्या हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सिंपल सवाल है, और आंसर इसका अगर ना है तो जनता को सावधान रहने की जरूरत है। सर, अब आपकी कार्यशैली के बारे में जो है, मैं आखिरी दो सवाल आपसे करना चाहती हूँ। पहले ये कि आपने दो डिपार्टमेंट्स में इससे पहले काम किया, आपने बहुत करीब से सरकार के काम को देखा, आपके रहते रहते क्या कुछ बदलाव रहा? और मुझे लगता है कि इंसान को खुद सबसे पहले पता होता है व्हाट द चेंजेस दैट आई हैव डन, व्हाट द चेंजेस दैट शुड बी डन। तो आपको क्या लगता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में कैसा रहा ये समय? देखिए, 14 के बाद बहुत बदलाव आया सरकार के काम में, सरकार के काम करने के तरीके में, निर्णायकता में, और जनता के भले के लिए कैसे काम किया जाता है, ये 14 के बाद अलग दिखाई देता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये 2012 की बात है, सेनाध्यक्ष के घर पर एक एट होम था, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री जी आए थे, और कुछ महीने के बाद उनको म्यांमार यात्रा के लिए जाना था। उससे पहले मैं यात्रा कर आया था म्यांमार की, तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई आप म्यांमार होकर आए, आपका क्या वहाँ के बारे में है? हमारी बातचीत हुई, फिर मैंने उनको कहा कि देखिए ऐसा है कि म्यांमार के अंदर भारत को नेटो बोलते हैं। तो बोले नेटो का क्या मतलब है? मैंने कहा जी उनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर नेटो का मतलब है नो एक्शन टॉक ओनली। तो बोले इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा जी एक एग्जाम्पल उन्होंने मुझे दिया, मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा आज से 5 साल पहले आपने उनको एक वायदा किया था कि हम आपको 4 JCB, 2 रोड रोलर, कुछ सड़क बनाने का सामान देंगे। सामान ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था। मैंने कहा ये 6ठा साल चल रहा, उनको सामान नहीं मिला, इसलिए वो कहते हैं जी नो एक्शन टॉक ओनली। बोले नहीं यार, आपको आप तो फौज वाले, आपको नहीं समझ में आएगा, प्रशासनिक तरीके होते हैं, पॉलिसी के डिसीजन होते हैं। तो मैंने कहा मनमोहन सिंह जी ये 4 चीज़ें देने के अंदर अगर आप फौज को देते, एक हफ्ते के अंदर हम दे आते। अब इस चीज़ को आप 14 के बाद की सरकार के काम को देखिए, अगर सरकार कहती है कि ये होना है तो बन के तैयार हो जाता है, उसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का हर नागरिक अगर भारत के बाहर कहीं फंसेगा, हम उसको बचा कर ले आएंगे, हम उसको बचा कर ले आते हैं जी। ये भरोसा जो है ये 14 से पहले नहीं था जी। और जिस तरीके से सरकार अब काम करती है, जिसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करना चाहिए, कहना चाहिए जी, वो अब देखने को मिलता है 14 से पहले। मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। 2011 के अंदर हमने तकरीबन 72 प्रोजेक्ट बनाए थे सीमा के ऊपर संपर्क के लिए जी। 11 में बात चली, उसके लिए सैंक्शन हुआ, काम नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला। 12 चला गया, मैं रिटायर भी हो गया। 13 में भी नहीं हुआ, 14 में नई सरकार आई, तब तक नहीं हुआ था वो सारा काम। 15 में शुरू हुआ, 17 तक कंप्लीट हो गया। अभी आप इसको क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, और ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी है कहीं ना कहीं। और एक आखिरी सवाल सर आपसे, गाजियाबाद से आप चुनाव लड़ते रहे, और जैसा कि मैंने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा, यू ऑलवेज यू आर बॉर्न टू बी अ लीडर, यू एज अ लीडर आप आगे आए और आपने कहा कि इस बार चुनाव मैं नहीं, आप किसी और को मौका दीजिए, इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। मेरे को लगा कि दूसरों को मौका दीजिए, जितना काम करना था उतना काम कर दिया, शायद और भी करना था
जी। लेकिन पार्टी को भी लगा कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए, दूसरे को मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कोई कुर्सी तो बांध के लाई नहीं है कि कुर्सी के ऊपर ही टिके रहना। तो एक परिकल्पना थी गाजियाबाद के लिए, जब गाजियाबाद की सीट दी गई थी, और एक ही लक्ष्य था कि गाजियाबाद एक अलग तरीके से डेवलप होना चाहिए। आज अलग तरीके से डेवलप हो रहा है, मुझे आशा है कि आगे भी डेवलप होता रहेगा। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके, बिकॉज बहुत कम ऐसे लीडर्स होते हैं जो फ्रंट आकर के सारी बातें जो दिल की होती है, और इसलिए मैंने आपसे कहा दैट यू आर बोर्न टू बी अ लीडर एंड यू आर अ लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने बिजनेस के ड्यू से हमारे साथ वक्त निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।